क्रिकेट की बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउजैट इन एसोसिएशन विद 5paisa। T20 क्रिकेट में स्कोर बोर्ड पर बड़े से बड़ा स्कोर टंगा हो तो बिना प्रेशर गेम जीतने के लिए शिखर धवन को भेज दीजिए। चल दूसरा कुछ तो लगाओ स्कीम। अरे दूसरा हद दे। हाउजैट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। अरे क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। छोड़ यार। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड्स। तो बेटा हाउजैट हाउजैट। दिस गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मैच नंबर 11 में शिखर की कमाल की पारी से दिल्ली कैपिटल्स ने 195 रनों के स्कोर को 19वें ओवर में ही 6 विकेट बाकी रहते चेस कर लिया। 20 ओवर के इतने बड़े स्कोर को चेस करने गई दिल्ली की टीम को देख किसी भी मोमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि ये टीम फंसने वाली है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह शिखर धवन की पारी ही रही। धवन ने क्रीज पर 49 गेंदों का सामना किया और 187.75 के स्ट्राइक रेट से 92 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 2 छक्के लगाए। 15वें ओवर में आउट होने से पहले वो अपना काम पूरा करके ही लौटे। इतना ही नहीं, धवन दिल्ली के लिए अक्सर चेज के वक्त खास हो जाते हैं। दिल्ली के पिछले 4 सफल चेजेस की बात करें तो शिखर धवन ने हर बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। पिछले 2 चेज तो इसी सीजन में आए हैं। सबसे पहले उन्होंने CSK के खिलाफ 85 रनों की पारी खेली तो टीम जीत गई और अब पंजाब के खिलाफ 92 रन बनाकर वो फिर से टीम को पार लगा गए। इससे पहले चेस करते हुए दिल्ली की टीम जब जीती थी तो वो सीजन 2020 का था। उस सीजन उन्होंने RCB के खिलाफ 54 रन मारे तो टीम को जीत मिली और उससे पहले CSK के खिलाफ धवन ने शतक बनाया तब भी टीम ने टारगेट चेस कर लिया था। दिल्ली की इन 4 चेजेस में से 3 बार तो प्लेयर ऑफ द मैच भी शिखर धवन ही बने। इन रिकॉर्ड्स को देख के कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स के चेज किंग हैं। ये खबर लिखी है विपिन ने। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।